सामने हैं कि कक्षा 12 तक का कोर्स होगा छोटा, 7,500 कर्मचारी होंगे नियमित और शिक्षा सत्र 2020 के नुकसान की होगी भरपाई और केंद्र सरकार ने लाया एक नया अध्यादेश। दोस्तों इन सभी न्यूज का डिस्कस हम आप सभी से करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखा करें क्योंकि जो वीडियो में कुछ खास बातें होती हैं वीडियो के अंत में ही अवश्य मिलती हैं, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और स्किप करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखा करें और साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वीडियो के लास्ट में ही वो अत्यधिक बताए जाते हैं। दोस्तों चलते हैं न्यूज की तरफ कि न्यूज क्या है कि कक्षा 12 तक का कोर्स होगा छोटा। लॉकडाउन समाप्ति के 4 दिन बाद CBSE शुरू करेगा परीक्षा कापियों का मूल्यांकन। दोस्तों आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड की सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं, किंतु CBSE बोर्ड की एक या दो परीक्षाएं अभी भी रह चुकी हैं जो उसे होने के आसार बहुत ज़्यादा कम हैं। और न्यूज़ में ये भी खास है कि कक्षा 12 तक का कोर्स होगा छोटा। लॉकडाउन के ख़त्म होने के 4 दिन CBSE जांचेगा उत्तर कॉपी का, रविवार को भी मूल्यांकन रहेगा जारी। और यहाँ तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो कोर्स हैं उनमें छोटा करने के लिए किया जाएगा। और यह जानकारी CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बुधवार को प्रधानाचार्य के ऑनलाइन बैठक से दी, जिसमें सभी जिलों के प्रधानाचार्यों ने इसमें भाग लिया और पिछड़ी जो ऑनलाइन क्लास भी होंगी अनिवार्य। और साथ साथ में 30 जून तक CBSE में से संबंध बढ़ाने का भी आवेदन करना होगा। और लॉकडाउन के बाद बोर्ड कापियों का मूल्यांकन, समाजवादी शिक्षा सभा ने जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी ने प्रदेश के डिप्टी CM एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा से मांग की है कि यूपी बोर्ड के परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन लॉकडाउन के बाद कराएं। संजय प्रियदर्शी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने 25 अप्रैल से कॉपियों मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं, जबकि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है। प्रशासन पूरी ताकत के साथ में इस समय समस्या का डटकर मुकाबला कर रहा है। ऐसे में मूल्यांकन होना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि जो केंद्र व्यवस्थक होते हैं उन पर जो सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है कि 7,500 कर्मचारी होंगे नियमित। दोस्तों यह न्यूज हिमाचल प्रदेश की है, जो हिमाचल प्रदेश में जो कार्यकर्त व्यक्ति हैं, जो कार्यकर्त कर्मचारी हैं, जो डेली वेज पर जो वेतन भोगी हैं पर डे वाले हैं उनको नियमित करा जाएगा और साथ साथ में उनको सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी कौन कौन से होंगे नियमित हम आप सभी को दिखाते हैं कि शिक्षा विभाग के 3,000 और लोक निर्माण विभाग के 1,000, जल शक्ति विभाग के 1,500 से कर्मचारी नियमित होंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में पटवारी, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ, राज्य सचिवालय में लिपिक शामिल होंगे। आकस्मिक सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी जल शक्ति और राजस्व के अधिकार होंगे। और साथ साथ में 6,500 से अधिक अनुबंध कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। 1,000 दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक कर्मचारियों का भी इसमें तोहफा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं न्यूज की तरफ कि डॉक्टरों पर हिंसा करने वालों को अब होगी 7 साल की जेल। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के कारण जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और पुलिसकर्मी जब क्षेत्रों में जाते हैं उनको मरीजों को देखने के लिए, तो उन पे कुछ परिवार के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उन पर पत्थर डंडे से इनकी पिटाई होती है, पत्थर फेंक देते हैं और कुछों को बहुत ही गंभीर चोट आई है। जब इस यह स्थिति जब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी तो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया है कि हिंसा करने वाले व्यक्तियों पर 7 साल की जेल होगी। देखिए इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। देखिए कि प्रमुख प्रावधान है कि 20 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करनी होगी जब जांच अधिकारी को, 7 दिन एक साल से अंदर पूरी सुनवाई करने का फैसला, 50,000 से 2,00,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की होगी सजा का प्रावधान। गंभीर चोट आने पर 6 महीने से 7 साल तक की होगी सजा। और दोस्तों जो स्वास्थ्य टीम है उस पर हमला जो है उसे एक नज़र देखते हैं कि 8 अप्रैल को भोपाल में महिला डॉक्टर सहित 2 जूनियर डॉक्टरों से मारपीट, 15 अप्रैल को मुरादाबाद में जांच कराने गई स्वास्थ्य विभाग टीम पर पथराव, 16 अप्रैल को बिहार के औरंगाबाद में जांच कराने गई टीम पर हमला,
17 अप्रैल को मेरठ में कोरोना का इलाज करने के डॉक्टर पर हमला, 20 अप्रैल को बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में मारपीट। और दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है कि शिक्षा सत्र 2020 के नुकसान की होगी भरपाई की योजना। स्कूल व कॉलेज खुलेंगे तो बहुत कम मिलेंगी छुट्टियाँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक है और 3 मई के बाद भी हो सकता है कि अगर कोरोना के मरीज मिलते हैं तो आगे भी बढ़ा जाए। इसी को ध्यान रखते हुए जो केंद्र सरकार हैं उन्होंने छुट्टियों में कटौती करने का निर्णय लिया है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा सत्र पूरे होने में जो कठिनाई होगी उसका भी सामना ठीक विकार से किया जाएगा। और साथ साथ में जो लगभग 210 दिन का जो कार्यक्रम होता है वो भी चलेगा। 210 दिन की पढ़ाई जो पूरी होती है उसी के बाद में एग्जाम या नकारने पर जोर दिया जाएगा। देखिए विद्याधान दो बदलेगी शिक्षा की सूरत। बच्चों की ऑनलाइन डिजिटल सामग्री कंटेंट की गुणवत्ता को निखारने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए कार्यक्रम विद्याधन 2 की शुरुआत की है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा है कि विद्याधन राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें शिक्षाविदों व संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करने एवं इसे योगदान देने के जोड़ा जाएगा। जो भी योगदान देना चाहते हैं वो व्याख्यातम वीडियो एनिमेशन प्रोजेक्ट मूल्यांकन और प्रश्न बैंक के रूप में अपना सामग्री दर्ज कराएं। दोस्तों ये थी दोपहर बाद की न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्लीज़ जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। वो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें क्योंकि जो वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं तो वीडियो के अंत में अवश्य रखे जाते हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।